अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है, या कह लें कि सऊदी अरबिया हाजियों को और उमरा जायरीन को अब से एक नया तोहफा देने जा रहा है। वो तोहफा क्या होगा? एयरलाइन का तोहफा होगा, बल्कि ड्रोन टैक्सी का तोहफा होगा जो जद्दा से मक्का पाक आपको लेकर आया जाया करेगी। याद रखिएगा कि ड्रोन टैक्सियां दुबई में ऑलरेडी इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है और इस्तेमाल हो रही हैं। अब सऊदी अरबिया में इन्होंने कहा कि हाजियों को लेकर आने जाने के लिए और उमरा जायरीन को लेकर आने जाने के लिए जद्दा से मक्का पाक ड्रोन टैक्सी का इनकाद किया गया है। निचली तौर पे 100 के करीब ड्रोन टैक्सीज जो हैं वो जद्दा से मक्का पाक आया जाया करेंगी। ये जर्मन जदीद टेक्नोलॉजी की ड्रोन टैक्सी है, जिसको हम बोल सकते हैं मिनी एरोप्लेन। इसको मिनी एरोप्लेन, हवाई परवाज, ड्रोन टैक्सी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। सऊदी अरबिया ने बकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि जद्दा से मक्का 100 के करीब इन्होंने ये ड्रोन टैक्सीज खरीदी हैं, इनकी परवाजें चला करेंगी। और ये जो एयर टैक्सीज हैं, ये सऊदी एयरलाइन के ताउन से इन्होंने ऑपरेशनल की हैं। याद रखिएगा कि जद्दा से अगर आप मक्का पाक में जाते हैं तो तकरीबन 93 किलोमीटर का ये सफर है, जो कि अगर आप बस में करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटा लग जाता है, और अगर आप बुलेट ट्रेन पे करते हैं तो तकरीबन आपको 45 मिनट लगते हैं, जबकि अगर आप एयर टैक्सी पे करेंगे, जो कि नहीं चल रही है, तो विद इन 20 to 25 मिनट्स आप एयर टैक्सी के थ्रू जद्दा से मक्का पाक में जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी मर्जी रास्ते में ट्रैफिक होती थी, मसला पेश आता था, इन चीजों की अब परेशानी नहीं है। अब हाजियों को खासकर फायदा होगा कि इन दिनों में जो एयर टैक्सीज चलेंगी उनको ट्रैफिक फ्री ये हो जाएंगी। ट्रैफिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये एयर टैक्सी है, जैसे हवाई जहाज जाते हैं या ड्रोन उड़ते हैं, सेम इस तरह ये टैक्सीज उड़ा करेंगी। और इनकी जो रफ्तार होगी वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी, और ये मैक्सिमम जो 5 लोग हैं, 4 से 5 लोग इस टैक्सी में बैठ सकेंगे, और जद्दा एयरपोर्ट से ही ये ऑपरेट होगी सऊदी एयरलाइन के इश्तराक से, मतलब कि सऊदी एयरलाइन जो कंपनी है इन्हीं के साथ ही इस कंपनी ने इश्तराक किया है। सेम ये भी सऊदी एयरलाइन एयर टैक्सीज हैं। ये बिल्कुल हतमी और ऑथेंटिक न्यूज है, और मैं आपको बताता चलूं मैंने किन किन न्यूज पेपर में और गजट में ये न्यूज खुद पढ़ी है, और मैं आपको इसका हवाला नंबर भी दे देता हूं, उसके बाद आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने गल्फ बिजनेस जो इनका एक गजट है, इसमें भी मैंने देखी है। 15 जनवरी 2024 को न्यूज आई है। इसके बाद खलीज टाइम 15 जनवरी 2024, इसमें भी न्यूज आई है। इसके बाद जाविया, इसमें भी ये न्यूज मैंने पढ़ी है। और उसके बाद सऊदी गजट, इसमें भी 15 जनवरी 2024 को एक ही दिन में ये 4 न्यूज़पेपर और गजट में ये न्यूज छाया हुई है, और अथेंटिक जराए से मैंने ये तस्वीरें भी हासिल की है, न्यूज भी हासिल की है, उसके बाद आपके सामने रख रहा हूँ। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नई जदीद टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरबिया में भी आ रही है, न्योम सिटी भी बनने जा रहा है, और सऊदी अरबिया बहुत तेजी के साथ माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। जो जो हाजी और उमरा जायरीन उमरा पर जाने वाले हैं, उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि तमाम तरह लेटेस्ट मालूम सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल के साथ इजाजत दीजिए। आखिर पे एक नेक पैगाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भेजा करें रोजाना, और नमाज कायम रखें। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।